हेलो फ्रेंड्स, ऐसे छाव डिज़ाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 17 फीट बाई 17 फीट में प्लान बना हुआ है, जो कि 290 स्क्वायर फीट में होगा। 32 गज में प्लान बना हुआ है। साउथ डिज़ाइन से आप 250-300-325 स्क्वायर फीट तक का आप आइडिया ले सकते हैं। छोटा घर है बट बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इस प्लान के वेंटिलेशन, डायमेंशन, इस प्लान की कॉस्ट वगैरह क्या है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इस प्लान की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 17 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 17 फीट की होगी। छोटा घर बट बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है। आप अपने किसी भी छोटे प्लॉट के लिए इजीली आइडिया ले सकते हैं। इस साइड अपना प्लांटेशन वगैरह एरिया लगा पाएंगे। इस साइड देखो तो इसका मेन गेट मिलेगा, जो कि हमने 2 साइड आयरन का गेट लगाया, जो कि काफ़ी आपको गेट मिलने वाला है। हमने 5 फीट का गेट लगाया है। इसी गेट से एंट्रो थी काफ़ी आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। उस पार्किंग एरिए की बात करें तो आपकी 11 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 6.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इस साइड आपके बाइक वगैरह इसलिए पार्क कर पाएंगे। इस साइड अपने सेपरेट टैंक ओवर टैंक भी आप इसलिए बना पाएंगे। जिसमें किसी के बराबर में देखें तो आपको ये फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए हमने स्टेयर्स दिया, जो कि एल शेप स्टेयर्स होगा। स्टेयर्स की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 2.5 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 12 फीट की होगी, जो कि फर्स्ट फ्लोर पर इसमें 2 बेडरूम का पोर्शन आने वाला है। इसमें ग्राउंड फ्लोर पर आपको 1 बेडरूम का पोर्शन मिलेगा, जो कि इजिली एक 1 फैमिली के लिए मोर देन इनफ है। 3 बेडरूम का पोर्शन आपको इजिली इसमें मिलने वाला है। और ठीक इसी इस बराबर में देखो तो ये हमने वॉश बेसिन भी लगाया, जिसमें इजिली अपने बाहर के बाहर ही इजिली हैंड वॉश वगैरह कर पाएंगे। ठीक इसी का ये आपको एक टॉयलेट कम्बाइन बाथरूम मिलेगा, जिसमें हमने 2.5 फीट का गेट लगाया। इसी गेट से एंट्रो थी काफ़ी आपको टॉयलेट कम्बाइन बाथरूम मिलेगा। अब इसके एरिए की बात करें तो आपकी 6.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपकी शावर, टॉयलेट सीट और वॉश बेसिन वगैरह इजली एडजस्ट कर पाएंगे। आप चाहे तो 7-8 फीट तक का टाइल्स लगा पाएंगे, जिसमें आपको सीलन पर भी सिलेट कोयल में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब इस साइड का वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी दिया, जिसके द्वारा इसका वेंटिलेशन वगैरह होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। इसकी स्मेल और स्मोक वगैरह सब इसी विंडो के द्वारा एग्जॉस्ट होती रहेगी। आप चाहे तो इजली एग्जॉस्ट फैन वगैरह भी लगा पाएंगे। आप ठीक इसी के और ये आपको एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे बेडरूम का गेट होगा। इसमें हमने 3 फीट का गेट दिया। इसी गेट से एंट्रो थी काफ़ी आपको बेडरूम मिलेगा। अब इस बेडरूम के एरिए की बात करें तो आपकी 11 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 9.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके डबल बेड सोफे और कैबिनेट्स वगैरह इजली एडजस्ट कर पाएंगे, जिसमें इजली आप अपने टीवी वगैरह लाकर अपने गेस्ट वगैरह को इस साइड अपने टीवी वगैरह दिखा पाएंगे। इसलिए अपने गेस्ट वगैरह को इस साइड बिठा पाएंगे सोफे वगैरह पे। इस साइड आप कल कुछ कलर कॉम्बिनेशन वगैरह यूज़ कर पाएंगे। सामने में देखो तो हमने ये रास्टिक का ब्रिक वगैरह बनाया, जिसमें इजली आप चाहें तो डबल शीट में दे पाएंगे। सामने में देखो तो हमने वॉलपेपर वगैरह भी दिया है। अब ठीक इसी से अटैच एक आपको एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे किचन का गेट होगा। इसमें हमने 3 फीट का गेट दिया। इसी गेट से एंट्रो थी काफ़ी आपको किचन मिलेगा। अब इस किचन के एरिए की बात करें तो आपकी 9.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके फ्रिज, स्लैब्स और चूल्हे वगैरह इजली एडजस्ट कर पाएंगे, जिसमें इजली आप कैबिनेट में सामान वगैरह स्टोर कर पाएंगे। इसलिए आप इस साइड से देखें तो इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने विंडोज़ भी दिया है, जिसके द्वारा इसका वेंटिलेशन वगैरह होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। इसकी स्मेल, स्मोक वगैरह सब इसी विंडो के द्वारा एग्जॉस्ट होती रहेगी। आप जो है इसलिए एग्जॉस्ट फैन भी लगा पाएंगे। अब इस प्लान की टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो ये प्लान 3 लाख का बनने वाला है, जो कि आप चाहे तो बनवा सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।